क्रिप्टो राठौर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ, तो आशा है आप 5 से 7 मिनट के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और देखें और समझें। जी हाँ, मैं आज आपको एक ऐसी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप ना ही तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं और ना ही इसको बैंक में आप रख सकते हैं। इसको सिर्फ आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू। इसका जो टोटली कंट्रोल है, लेन देन का जो भी टोटल कंट्रोल है, वो आपके ही थ्रू होगा विदाउट हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ बैंक। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं आपको एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा चल रही है, हर कंट्री में चल रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बिटकॉइन का जो जनक है, जो ओरिजिनेटर है, वो सतोशी नाकामोटो नाम का एक व्यक्ति है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2009 में इसका जो रेट था वो 0.1 सेंट, यानी कि 0.1 सेंट का मतलब होता है 0.01 USD, यानी कि 6 रुपये के आसपास, 6 रुपये इंडियन 6 रुपीज़ के आसपास इसका रेट था उस टाइम। और ये जो रेट था वो उस टाइम 6 रुपये था और आज के दिन ये 2 लाख रुपये के आसपास है, वेरी कर रहा है। और 10 दिन पहले इसका रेट चला गया था 6 रुपये से लेकर के साढ़े तीन हज़ार डॉलर, यानी कि जापान में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है, हम बिटकॉइन से जुड़ करके अपना प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, बिटकॉइन से कैसे अर्निंग कर सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो कृपा करके ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले थोड़ा मैं आपको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के बारे में बताना जा रहा हूँ। जो पुराने समय जो पैसे का लेन देन होता था वो एक बार्टर सिस्टम की तरह पर, बार्टर सिस्टम का मतलब है एक्सचेंज करते थे हम। एक चीज़ अगर हमें खरीदनी होती थी तो उसके बदले हम दूसरी चीज़ गिरवी रखते थे, यानी कि आदान प्रदान, दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। उसके बाद रेवोल्यूशन हुआ तो एक करेंसी है जिसका नाम था मेटल करेंसी, चांदी, सोने, लोहा, धातु, इस प्रकार के जो मेटल करेंसी के सिक्के होते थे, तो वो करेंसी का आदान प्रदान होता था। उसके बाद एक रेवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ, तब आई पेपर और प्लास्टिक करेंसी। पेपर करेंसी यानी कि जो कागज़ के नोट है जो इंडिया में चल रहे हैं, और प्लास्टिक करेंसी का मतलब है जो कि फॉरन में चलता है, प्लास्टिक में, प्लास्टिक के नोट। उसके बाद एक रेवोल्यूशन हुआ आई बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का मतलब ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड, इनका जो भी प्रयोग है वो ATM के थ्रू होता था और हम अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते थे बिना कहीं जाएं, बिना समय गवाएं, एक जगह से दूसरी जगह पर ATM के थ्रू इजीली ट्रांसफ़र हो जाता था। दोस्तों उसके बाद 2009 में एक रेवोल्यूशन हुआ, एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का जो रेवोल्यूशन है वो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है और इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। तो बिटकॉइन की शुरुआत जैसा कि मैंने बताया 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने की थी। तो थोड़ी मैं आपको कुछ बिटकॉइन के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो बिटकॉइन को लॉन्च किया था 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने, और बिटकॉइन जो इनिशियली था वो 500 से 1000 लोगों का एक पेमेंट नेटवर्क था जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया गया था। वो लोग ये चाहते थे हम बिना किसी बैंक की हेल्प के हम अपने पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ बैंक। बैंक को माध्यम न बना करके वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज करना चाहते थे। तो उस टाइम बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 0.01 USD था, यानी कि 6 रुपये के आसपास। और उसके बाद जो रेट इसका जो बढ़ा 2015 में, इसका रेट बहुत आपको बता सकता हूँ कि ये चला गया था 1200 डॉलर, यानी कि 72,000 रुपये के आसपास। अभी 10 दिन पहले इसका रेट जापान में 3,500 रुपये तक जा चुका था और आज का जो करंट रेट है इसका वो है 2750 डॉलर अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों बिटकॉइन का जो रेट है वो 0.06 USD से 3,500 USD तक कैसे गया, क्यों गया, इसके पीछे क्या कारण है, क्या टेक्नोलॉजी है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बिटकॉइन क्या है, ये एक रियल माइनड क्रिप्टो करेंसी है। रियल माइनड क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये होता है कि बिटकॉइन का जितना भी आदान प्रदान होता है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए जिस चीज़ का नाम है वो चीज़ को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, इसके जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड को जो वेरीफाई करते हैं उसको बोलते हैं माइनर। तो इसलिए इसको एक रियल माइनड
क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। जो भी बिटकॉइन की माइनिंग होती है उसको वेरीफाई करने वाले लोग हैं उसको बोलते हैं माइनर। तो माइनर के पास क्या होता है कि पावरफुल हार्डवेयर होता है, पीसी, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है। और जो बिटकॉइन का जो है वो एक इनक्रिप्टेड कोड होता है, टोटली एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है जिसका कंप्यूटर हार्डवेयर पहले उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, बिटकॉइन का जो ब्लॉक है उसको माइन कर लेता है, उसके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर लेता है, उसको बदले में कुछ BTC मिल जाते हैं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सबसे पहले ब्लॉकचेन में वेरीफाई होते हैं, उसी के बाद वो ट्रांसफ़र होते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं माइनर्स। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइनिंग क्या होती है, तो वो आपको मैंने समझा दिया। अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि मेरे पास याहू मेल है, आपके पास जीमेल है, तो मैंने आपको जीमेल से याहू मेल में एक मेल सेंड किया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको वो मेल नहीं मिली हो? जी हाँ, सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर बिटकॉइन का जो नेटवर्क है, ब्लॉकचेन का जो है, वो काम करता है सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि एक पेरेंट वॉलेट होता है ब्लॉकचेन का, जो मेन वॉलेट होता है। जब हम किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं BTC to BTC, तो जो पेरेंट वॉलेट से सपोज करो ए वॉलेट निकला, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, और मेरा वॉलेट सपोज करो जे है, तो जब मैं के वॉलेट मेरे से अगले वाले वॉलेट को मैं ट्रांसफ़र करूँगा, तो जो मेरा BTC है वो पेरेंट वॉलेट से पहले वेरीफाई होगा। जो ट्रांजेक्शन है वो पेरेंट वॉलेट से आएगा, फिर ए के पास, फिर बी के पास, फिर सी, डी, और मेरे तक आते आते जे, और फिर के पास जाएगा। क्योंकि जब तक वो पेरेंट वॉलेट से वेरीफाई नहीं हो जाता ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन का, तब तक वो पहुँचता नहीं। तो उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करता है। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म चलती है इधर, ओपन सोर्स। बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर है वो एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जिसका मतलब ये है कि जो डेवलपर है यानी कि जो माइनर है वो अपने लेवल पर बिटकॉइन को डेवलप कर सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में 1000 लीगल एक्सचेंजर हैं बिटकॉइन के, जैसे इंडिया में यूनोकॉइन, जेब कॉइन, BTCX इंडिया, और भी काफ़ी हैं जो आ रहे हैं लीगली हैं, जो कि बिटकॉइन को आपके जो कंट्री की लीगल करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इंडियन रुपीज़ आप दो और BTC लो जेब पे से, इसी तरह से। और भी उसका जो चार्ज है ट्रांसफ़र का वो भी बहुत ही कम है। तो बिटकॉइन क्या है कि इसमें जो भी होता है ट्रांसफ़र वो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, इनक्रिप्टेड कोड होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है दोस्तों, तो जो बिटकॉइन की जो संख्या थी वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। 21 मिलियन बिटकॉइन की संख्या फिक्स की गई है 2140 तक, 2140 को लास्ट बिटकॉइन बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक इसके बारे में जहाँ भी बिटकॉइन का जिक्र होगा तो पिज्जा का जिक्र जरूर होगा। 2010 में एक व्यक्ति के पास बर्गर खाने के लिए पैसे नहीं थे, उस टाइम बिटकॉइन ने कोड़ियों के भाव भी करा था, तो उस व्यक्ति ने 11500 बिटकॉइन दे करके एक पिज्जा खरीदा और फिर भूल गया। जिस व्यक्ति ने पिज्जा खरीदा था, 4 साल के बाद उसने देखा कि उसकी वैल्यू 11500 BTC की वैल्यू $8 million हो गई थी। दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर इन द वर्ल्ड। दिस इज़ द मैजिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो जहाँ भी BTC का जिक्र होगा, इस 8 million USD बर्गर का जिक्र जरूर होगा। तो इसमें बड़े बड़े जो इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं, जैसे लाइक रतन टाटा, सब ने इन्वेस्ट कर रखा है। जो भी लोग इंडिया में बड़े बड़े कंपनी के ओनर मालिक हैं, सब इससे जुड़े हुए हैं। और डिजिटल करेंसी का जो है एक ग्लोबल इकोनॉमिक्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये खुद बिल गेट्स ने कहा है। और इसके जो भी है बिटकॉइन के ATM पूरे वर्ल्ड में, आपके पास ATM से आप उस कंट्री की करेंसी निकाल सकते हैं, बिटकॉइन से आप लोकल करेंसी निकाल सकते हैं। ये ATMs हैं, आपको दिखा रहा हूँ, बिटकॉइन बाई एंड सेल एक्सेप्ट हो रहे हैं हर जगह के ऊपर। तो दोस्तों आप भी बिटकॉइन के साथ जुड़ करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की दुनिया में कहते हैं कि जो समय के साथ नहीं चलता वो लॉस में रहता है। जिस तरह से जो हाल नोकिया का हुआ वो हाल हम नहीं चाहते कि हमारा हो। तो दोस्तों आज की दुनिया में बिटकॉइन चल रहा है, आप इसके साथ जुड़कर अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने अर्निंग के जो एसेट्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। और फ्यूचर में आपको वीकली टाइम टू टाइम आपको जितने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो भी जानकारी हो, मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता रहूँगा। कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्रिप्टो राठौड़। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।